हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको अपडेट करना सिखाया था ग्रेड व्यू में। सो यहाँ पे एक स्टूडेंट वाला जो हमारा पेज था, यहाँ पे शो हम लोग रिकॉर्ड रिकोगे, यहाँ पे मेरे पास जो करण वाला रिकॉर्ड था उसको हमने अपडेट किया था। यहाँ पे मुझे आईडी प्रोवाइड करके देन अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा, सो मेरा रिकॉर्ड अपडेट होगा। आज की वीडियो में मैं आपको रिपीटर में यहाँ पे किस तरह हम लोग एडिट बटन रख के रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे पेज के पेज पे चले जाते हैं लिस्ट स्टूडेंट। एक मुझे वहाँ पे बटन क्लिक करने की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मैं अपने बटन को सेट कर देता हूँ। ये एंकर टेक एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेपरेट कर देते हम लोग पाइप साइंस से। यहाँ पे डिलीट के बदले हम लोग लिख देते हैं एडिट। अब एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पहले तो हमें पुरानी वैल्यू ओल्ड वैल्यू फिल करके आएगा, सो कोई हमें उसको कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे लेके कहाँ जाना है पेज पे, जैसे मैं क्लिक करूँ मुझे मेरे फॉर्म पे रिडायरेक्ट करना है। सो हमें यहाँ पे एड स्टूडेंट वाली फाइल पे रिडायरेक्ट करना होगा, पेज पे रिडायरेक्ट करना होगा। एड स्टूडेंट सेम एक वेरिएबल लेके जाना है जहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग्स मुझे सेट हो। देखिए पहले हम इस पेज को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं उसकी इवेंट्स मतलब CSS चेंज कर देता हूँ बूस्टर के क्लास। देखिए ये पाइप साइन है उसे हम रिमूव कर देते हैं। देखिए अब जैसे मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ, देखिए वो एड स्टूडेंट वाले पेज पे आ गया है। आप देख सकते हो ऊपर यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग पे जहाँ पे वो SID इज इक्वल टू 1, मतलब जिस भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उस वाले उसकी आईडी लेके हमें फेच करवानी है यहाँ पे। अब उस आईडी को फेच करवा के हमारे सारे टेक्स्ट बॉक्स को फिल करवाना है हमें। अब मुझे जाना होगा एड स्टूडेंट की पेज लोड पे, क्योंकि एड स्टूडेंट पे जाने के बाद जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा है वहाँ से एक एडिट की क्वेरी फायर करवानी होगी, मतलब सिलेक्ट की क्वेरी फायर करवानी होगी जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 हो और टेक्स्ट बॉक्स को फिल करना होगा। हम लोग यहाँ पे एड स्टूडेंट की पेज लोड पे चले जाते हैं। देखिए पेज लोड इवेंट आपको ओपन करना है तो आपको पेज पे जाके कभी भी रेंडमली क्लिक करना है, सो उसकी पेज लोड इवेंट ओपन होगी। देखिए पेज लोड इवेंट ओपन हो गई। अगर वहाँ से आपको नहीं मिल रही है तो बटन पे आप उस पर्टिकुलर पेज पे जाके कोड बिहाइंड मॉडल देखिए आपको सारी यहाँ पे इवेंट मिल जाएगी। पेज की इवेंट है तो सारी पेज की मिल जाएगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा के देखता हूँ वो मुझे आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्वेरी स्ट्रिंग से हमें फेच करवाने होगा, सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग राउंड ब्रैकेट में SID। देखिए इस तो 7 नंबर का रिकॉर्ड है उस पर क्लिक करते हैं। देखिए एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमें आईडी मिल रही है, जो भी आईडी पे मैं क्लिक करूँगा, मतलब यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको अगर लेफ्ट साइड यहाँ पे देखेगा, देखिए स्टार्ट बटन के ऊपर जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, देखिए एट स्टूडेंट डॉट ASP(x) SID इज इक्वल टू, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग आपको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है और कौन सी वैल्यू लेके जानी है वेरिएबल, वो आपको सेट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास आईडी सेट हो रही है, मतलब आईडी मुझे डायनेमिक मिल गई है यहाँ पे पेज की लोड पे। अब पेज की लोड पे मैं एक इस पोस्ट बैक इवेंट सेट कर सकता हूँ। सो इस पोस्ट बैक अगर हम लोग सेट करेंगे सो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा पेज बींग इज लोडेड फर्स्ट टाइम और इवेंचुअली सेकेंड टाइम। सो इस पोस्ट बैक से हम लोग जनरली सेट कर सकते हैं। सो इस पोस्ट बैक्स क्या होता है, इस पोस्ट बैक्स इज अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉमनली यूज इन ASP.NET टू डिटरमाइन वेदर अ पेज इज बींग लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम और यू कैन से रिजल्ट ऑफ पोस्ट बैक, लाइक दैट इज व्हेन अ फॉर्म ऑन द पेज इज सबमिटेड एंड द पेज इज रिलोडेड विद द डेटा सेंड टू द सर्वर। सो पोस्ट बैक कब अकर हो रही है, पोस्ट बैक अकर लाइक
When a page is sent to the server for a processing, usually after a user extends, it is a clicking a button or submitting a form. Okay, so we can set here is post back true. It indicate the page is being reloaded due to the post back if it's set to false. So it means the page is being reloaded or loaded at the first time. ओके सो हम यहाँ पे इस पोस्ट बैक को सेट कर सकते हैं पेज की लोड पे इफ नॉट इस पोस्ट बैक, मतलब हमारा पेज पहली बार लोड हो रहा है तब देन ओके यहाँ पे ये जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इफ पहले क्वेरी स्ट्रिंग को भी एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कि क्वेरी स्ट्रिंग मिल रही है पेज सेट होने के बाद इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं डिम एस आई डी या फिर स्टूड आई डी इज इक्वल टू जो हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग्स मिल रही है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग्स। ये भी आप जनरली बोल सकते हो कि इट्स यूज कॉमनली ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज और इन एस पी डॉट नेट इट इज़ अ वन काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट विल मेंटेन योर स्टेट। ओके अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि इस आईडी के सारे रिकॉर्ड्स रो कॉलम्स फेच करवाने हैं देन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसे स्टोर करवाना है। सो यहाँ पे मैं एडिट स्टूडेंट करके एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ जिसके अंदर मुझे आईडी पास करनी है। ओके ये फंक्शंस नहीं है सो वो जनरेट करके देगा हमें। सो ब्यूटी ऑफ ए एस पी डॉट नेट्स दैट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड जनरेट योर मेथड स्टब। ओके देखिए अब यहाँ पे मुझे सिर्फ फेच करवाना है रिकॉर्ड। ओके सो यहाँ पे मैं एस टी आर जो वेरिएबल है हमारे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे के सारे कॉलम्स ही हैं। ओके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम देन योर टेबल नेम टी बी एल स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू हमारे पास जो यहाँ पे एज अ पैरामीटर में मिल रही है वो आई डी। ओके कमांड का ऑब्जेक्ट बनाइए एज यूजल न्यू एस क्यू एल कमांड एंड पास टू पैरामीटर्स कनेक्शन को ओपन कीजिए देन क्लोज कीजिए। ओके अब यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का काम नहीं है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप जनरली बेसिक एसक्यूएल डेटा रीडर बना सकते हैं। ओके सो व्हाई वी नीड एसक्यूएल डेटा रीडर हियर बिकॉज एसक्यूएल डेटा रीडर इज अ क्लास इन एडियो डॉट नेट दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क सो यूज टू रीड अ डेटा फ्रॉम अ एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इन अ फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली स्ट्रीम। मतलब मुझे क्या करना है सिर्फ रीड करवा रहे हैं डेटा और अपने टेक्स्ट बॉक्स को सेट करना। इट्स हाईली एफिशिएंट फॉर रिट्राइविंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सिंस इट डज नॉट कैचिंग लाइक मतलब ये डेटा को मेमोरी में कैच नहीं कर रहा है। ओके सो बेसिकली इसके दो मेन फीचर है की फीचर आप बोल सकते हो सो फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली। ओके सो फॉरवर्ड ओनली इट मीन्स यू कैन ओनली मूव थ्रू द रो इन वन डिरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो। ओके सिंगल डिरेक्शन में वर्क कर रहा है देन रीड ओनली सो यू कैन रीड द डेटा इट कैंट बी मॉडिफाइड थ्रू द एसक्यूएल डेटा रीडर। ओके सो यहाँ पे हमें एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है। आप डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हो। ओके लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ रीड ओनली मतलब मॉडिफाई नहीं करवाना है डेटा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एसक्यूएल डेटा रीडर। सो हियर आई कैन गिव अ नेम रीडर एज अ एसक्यूएल डेटा रीडर देन रीडर इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ओके और यू कैन राइट ऑल्सो डीम रीडर एज एसक्यूएल डेटा रीडर इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। यू कैन ऑल्सो वर्क लाइक दिस। ओके सो बेटर अप्रोच इन इट्स डिपेंड्स ऑन अप टू यू।
विच मेथड यू वॉन्ट टू यूज़ फर्स्ट यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट और वेरिएबल देन असाइन सीएमडी डॉट एग्जीक्यूटेड इन विच वेरिएबल इन दैट वेरिएबल दैट टाइप ऑफ वेरिएबल और यू कैन ऑल्सो राइट इन अ सिंगल लाइन असाइन डिक्लेरेशन एंड स्टोर. ओके सो सेकेंड थिंग इज दैट रीडर जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको सेपरेटली ले लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली पता चले एक सिंगल मेथड्स किस तरह हम वर्क करनी है. ओके सो यहाँ पे रीडर इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर. ओके अब आप लोगों के पास जो सारे डेटा आए वो रीडर के आ गए. ओके सो रीडर इज लाइक अ कलेक्शन और यू कैन से बंच ऑफ कॉलम्स हियर. यहाँ पे आप लोगों के पास सिंगल रिकॉर्ड ही होगा क्योंकि एक यूनिक रिकॉर्ड मिल रहा है. सो हियर वी कैन राइट अ कंडीशन दैट रीडर रीडर डॉट रीड रीड इज अ इनबिल्ट मेथड ऑफ एग्जीक्यूट रीडर. ओके सो नाउ फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू फिल इन द पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स. सो वी नीड अ आईडी लाइक अ फर्स्ट नेम लास्ट नेम. सो यहाँ पे हम लोग स्टूड फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट जो भी वैल्यू में मतलब यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू असाइन करनी है. सो रीडर जो हमारे वेरिएबल था यहाँ पे टेबल की कॉलम का नाम आएगा फर्स्ट नेम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है मुझे टू स्ट्रिंग. सो आप इस तरह सारे की सारी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं. देखिए पहले हम इतना रन करके देखते हैं कि हमें मिल रहा है या नहीं डिस्प्ले हो रहा है. पूरी प्रोसेस हम लोग रिवर्स करवाते हैं. देखिए एडिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए विजय ऑलरेडी आ गया है. ओके उसी तरह लास्ट नेम एज हम लोग सबका सब स्टोर करवा सकते हैं. सो हियर आई कैन कॉपी पेस्ट ऑल लाइंस फॉर ऑल टेक्स्ट बॉक्स दैट आई नीड टू अपडेट. देन स्टूड ईमेल स्टूड एच हियर आई कैन राइट कॉलम नेम ऑफ माई टेबल स्टूड ईमेल देन स्टूड एच डबल कोट्स. सो रिलोड द पेज. देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वापस अब एक बार डिस्प्ले पे जाते हैं सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं. देखिए राहुल वर्मा एज ईमेल सारी की सारी वैल्यू फिल होके आ रही है. दूसरी कोई वैल्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं लास्ट वाला रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं. देखिए ओके अब यहाँ पे हमें एक सिंपल बटन चाहिए लाइक एज यूजल अगर हमें ग्रिड व्यू पे वर्क नहीं करना है. सो ये हमारे पास जो सबमिट वाला बटन था. ओके शो डिलीट अपडेट या तो फिर आप दूसरा बटन भी मैनेज कर सकते हैं कि उस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा अपडेट होना चाहिए. सो बेसिकली हमें यहाँ पे दूसरे कोई बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑलरेडी हमारे पास ये सबमिट बटन है उसी की बटन पे क्लिक पे हम लोगों ने इंसर्ट का कोड लिखा है वही पे बटन पे हम लोग एडिट का एक फंक्शन प्रोसीजर बना सकते हैं. ओके सो इंसर्ट की क्लिक पे है हमारे पास जो सबमिट बटन पे है यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं अपने कोड को कि किस तरह मुझे अपडेट बटन पे एक ही बटन पे मुझे इंसर्ट और अपडेट दोनों करना है. सो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग मतलब क्वेरी स्ट्रिंग में जब मेरे पास वैल्यू हो तो मुझे अपडेट करना है सिंपली. देन ना हो तो इंसर्ट एज यूजल जो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है एस आई डी इज नॉट नथिंग. ओके मतलब इज नॉट नथिंग इज अ वन काइंड ऑफ ऑपरेटर दैट विल चेक योर क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू इज सेट और नॉट. ओके सो
सो यू कैन मैनेज हियर योर कोड। जनरल इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं बोलूँ तो इज नॉट नथिंग, एक आप लोगों के पास डबल नेगेटिव कंटेक्स को चेक करने के लिए यूज़ हो रहा है, जो चेक कर रहा है कि भाई वैल्यू, द वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू, इट वुड बी मीन दैट लाइक इज नॉट नथिंग, दैट मीन दैट अ वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू एंड इट्स नॉट अ नल, दैट्स इक्विवेलेंट। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया था एज स्ट्रिंग, उस वेरिएबल के अंदर हम हमारी क्वेरी स्ट्रिंग को सेट कर देते हैं। ओके, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे वापस आईडी चाहिए, विच आईडी बेस्ड ऑन यू वांट टू अपडेट्स। ओके, सो अगर आप आईडी पास नहीं करोगे सारे के सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम अपडेट स्टूडेंट करके एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, उसके अंदर हम हमारी आईडी पास कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अपडेट स्टूडेंट करके मेथड बन गई होगी, देखिए यार। ओके, और ये जो कोड है उसके एल्स में हम लोग एक एड स्टूडेंट प्रोसीजर क्रिएट कर देते हैं। और ये जो कोड है आप लोगों का एड स्टूडेंट, उसको कट करके सिंपली एड स्टूडेंट वाली जो प्रोसीजर कभी क्रिएट हुई है उसकी मेथड की बॉडी के डिफाइन कर देते हैं। सो आप लोगों का पूरा कोड यू को कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स में डिवाइड हो चुका है। जैसे ही मैं इन सबमिट बटन की क्लिक पे वर्क करूँगा, सबमिट बटन की क्लिक सबसे पहले चेक करेगी कि भाई रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग एस आई डी वेरिएबल ऑब्जेक्ट सेट है, उसकी वैल्यू नल नहीं है, तो अपडेट करेगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी, सो एड स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे मुझे जो अपडेट स्टूडेंट है वहाँ पे सिंपली अपडेट की क्वेरी लिखनी है। ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रिड व्यू में अपडेट की क्वेरी लिखी हुई है, वो सेम एज इट इज क्वेरी हम लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अपडेट बटन पे हम लोगों ने सेट की थी। आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की आईडी पास नहीं करनी है अब। ओके, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, हमें जो क्वेरी स्ट्रिंग से पैरामीटर पास किया है एज अ फंक्शंस प्रोसीजर वो यूज़ करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आई वॉन्ट टू अपडेट ऑल्सो ईमेल एंड एज। सो स्टूड ईमेल इज इक्वल टू स्टूड ईमेल इज इक्वल टू डॉट टेक्स्ट एंड कॉमा स्टूड एज इज इक्वल टू डबल डबल प्लस प्लस टेक्स्ट बॉक्स नो स्टूडेंट एज डॉट टेक्स्ट देन वेयर कंडीशंस। ओके, आप लोगों को अपडेट की क्वेरी में जो जो कॉलम आप लोगों को अपडेट करनी है, जो जो फील्ड अपडेट करानी है, वो सारी पास कर दीजिए। पासवर्ड तो मैंने टेबल में लिया ही नहीं है। ओके, देन उसके बाद सेम एज इट इज सी एम डी का ऑब्जेक्ट बनाइए। ओके, स्टूडेंट अपडेटेड। सो नाउ रन यर माई कोड। इट विल लोड द माई पेज। कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू टाइप बुलियन इज नॉट अ वैलिड। ओके, पेज लोड पे एरर थ्रो करी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग एस आई डी, ओ सॉरी यहाँ पे इज नॉट नथिंग सेट करना रह गया है, इज नॉट नथिंग। अब रन करके देखते हैं। देखिए अगर फर्स्ट टाइम मैं स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ तो वो एल्स कंडीशन मेरी ट्रू होगी,
बटन के क्लिक पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इफ़ कंडीशन मेरी फॉल्स होगी और एल्स में वो ऑटोमेटिकली कोड एग्जीक्यूट करेगा। बटन वन क्लिक, ये रहा देखिए, बटन वन की क्लिक पे इफ़ रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग सेट नहीं है सो वो एल्स में स्टूडेंट पे जाएगा। ओके हम लोग यहाँ से ऐड कर देते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड 12 ए बी सी एट द रेट gmail.com। वन टू थ्री यहाँ पे एज की एरर दे दिए 25 सबमिट। ओके डिस्प्ले में हम जाते हैं इसी ए बी सी वाले रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, एडिट पे क्लिक किया। ओके अभी लास्ट नेम कुमार एज लेट्स से 29 आपको जो भी अपडेट करना हो। ओके देन सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए स्टूडेंट अपडेट, देखिए ग्रिड व्यू में भी अपडेट होके आ गया है। आपको वापस रिडायरेक्ट करवाना तो आप सीधा रिडायरेक्ट करवा सकते हो डिस्प्ले वाले पेज पे। ओके सो यहाँ पे हम लोग अपडेट होने के बाद रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट हमारा जो लिस्ट वाला पेज है उस पर रिडायरेक्ट करवाना है हमें। सो यू कैन राइट हियर योर लिस्ट पेज नेम। देखिए लिस्ट स्टूडेंट पे जाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनिल में कुमार के बदले हम लोग पटेल कर देते हैं यहाँ से। देखिए हो गया रिकॉर्ड अपडेटेड और आप उसकी एज भी चेंज करना चाहते हैं एज भी चेंज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आप अपनी वेब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सो अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। ओके अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।